इधर महाराष्ट्र के जलगांव में आरोपी को खुद सजा देने की मांग कर रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। रिपोर्ट में आप देखिए, महाराष्ट्र का जामनेर शहर आखिर क्यों जल उठा। ये महाराष्ट्र के जलगांव में एक मासूम के साथ रेप के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। हिंसा के बाद जलगांव के जामनेर शहर में हालात तनावपूर्ण हो गए। लोगों के पथराव में करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भीड़ ने कई जगहों पर आगजनी की और एक पेट्रोल पंप को भी जलाने की कोशिश की। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि उन्होंने पुलिस से रेप के गिरफ्तार आरोपी को सौंपने की मांग की। लोग आरोपी को खुद ही सजा देना चाहते थे। पुलिस ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इस परिस्थिति में कुछ असामाजिक लोगों ने इस संवेदनशील परिस्थिति का फायदा लेते हुए पुलिस स्टेशन पर पथराव किया। अब और 5-7 मिनट में पुलिस की जो पूरी यंत्रणा थी वहाँ पर, पुलिस के SP हो, एडिशनल SP हो और पूरी जो सीनियर पुलिस अधिकारियों की टीम थी, उन्होंने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम में, पूरी परिस्थिति में मतलब नियंत्रण लाने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिए। मामले में 10 लोगों को पकड़ा गया। CCTV फुटेज के जरिए बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तनाव को देखते हुए जलगांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। चंडीगढ़ में मंदिर के अवैध निर्माण को तोड़े जाने को लेकर हंगामा हुआ है, जिसमें पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। चंडीगढ़ की पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए उनके पैर पकड़ने पड़े। प्रदर्शनकारी हटने को राजी नहीं थे। देखिए, पुलिस ने इनके पैर पकड़े और खींचते हुए ले गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग की ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं। जिन लोगों को पैर खींचकर पुलिस ले गई, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता थे। वो दो मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मंदिर की दीवारों को ढा दिया। प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में नेता जमा हुए और फिर प्रदर्शन शुरू हो गया। काम रोके जाने की कोशिश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और फिर नेताओं को जबरन पुलिस को उठा कर ले जाना पड़ा। मामला मनी माजरा के सुभाष नगर का है, जहां नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से बने शिव मंदिर, साई मंदिर के कमरों को गिरा दिया है। मेयर कुलदीप कुमार ने धार्मिक स्थलों को तोड़ने की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 का फैसला अब 6 साल बाद 2024 में क्यों लागू किया जा रहा है। तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने मामले की CBI जांच की मांग की है। जहरीली शराब पीने की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के कलाकुरुचि जहरीली शराब कांड को लेकर सियासत जारी है। तमिलनाडु विधानसभा के अंदर और बाहर मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। AIADMK के महासचिव और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता पलानी स्वामी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महत्वमंडल இந்த பகுதியில் 96 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக செய்திகள் வந்துள்ளன. கிட்டத்தட்ட 146 பேர் இதுவரை இந்த கள்ளச்சாராயம் குடித்து பாதிக்கப்பட்டதாகும். तमिलनाडु BJP के अध्यक्ष K. Annamalai ने भी केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर मामले की CBI जांच की मांग की है। उधर कलाकुरुचि जहरीली शराब कांड के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला अदालत ने 3 आरोपियों गोविंद राज, दामादोरन और विजया को 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में कुडालोर जेल भेज दिया है। कलाकुरुचि में जहरीली शराब पीने की वजह से तमिलनाडु में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इधर महाराष्ट्र पुलिस अब क्राइम डिटेक्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाली है। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया इसकी घोषणा की। एक कंपनी अपन सरकारची तयार केलेली आहे की जी पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग हा त्या ठिकाणी लॉ अँड ऑर्डर करता, प्रेडिक्टिव सिच्युएशन्स करता आणि एखादा क्राइम झाला असेल। महाराष्ट्र सरकार ने IIM नागपुर के सहयोग से बेहतर पुलिसिंग के लिए AI के इस्तेमाल को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस पर आज महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों के साथ डिप्टी CM और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहम बैठक की। फडणवीस ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत साइबर अपराध पर डेटा विश्लेषण भी किया जा सकेगा, साथ ही यातायात प्रबंधन के मुद्दों का हल निकाला जा सकता है। इसके लिए अलग अलग इकाइयों के लिए मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे। देशातला सगळ्यात आधुनिक साइबर डिटेक्शन सेंटर हे आपण आपलं सुरू केलेलं आहे, जे आता महापेला आपलं लवकरच सुरू होत आहे, जिची जवळपास सगळी आता काम पूर्णत्वाला चाललेलं आहे। त्यामुळे या सगळ्या कॅपॅसिटीज तयार झाल्यानंतर मला असं वाटतं की देशामध्ये सर्वात आधुनिक अशा प्रकारचं पोलीस दल या गोष्टींमध्ये एक मोठा फायदा याचा होणार आहे।